नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर हमारे तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की अपार शुभकामनाएं। सीता की सुंदरता जैसा आज हम आपके सामने भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपके दिलों को छू लेने वाला भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यक्ष, शिक्षक गण एवं तमाम ग्रामवासी और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना के साथ मैं भाषण शुरू करता हूँ। गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, हिंदुस्तान की धूली का चंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का दिन है। यह स्वर्णिम दिन है। यह हर भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पर्व से बढ़कर है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों के वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुई, क्रूर शासन से मुक्ति मिली। जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आजाद किया हो और वह आसमान का नव संसार का विचरण करना चाहे। वह दिन 15 अगस्त 1947 का दिन था। चारों तरफ खुशी के फूल जगमगा रहे थे, जिसका जश्न आज हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए खुशियों से खेलता हुआ आया। अनेकों देशों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद की बौछार की। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो हमें रुला देती है कि वह अंग्रेज जो हमारे देश में कंपनी डाला व्यापार करने के लिए आया, वही मुझे अपना उपनिवेश बना लिया, यहाँ पर शासन चलाने लगा, मेरा शासक बन गया, हम पर ही अत्याचार करने लगा। इससे देश में अशांति फैल गई। उन्होंने हमें फूट डालकर शासन करो की नीति से तोड़ दिया, एकता अखंडता को समाप्त कर दिया। इस अत्याचार के विरुद्ध बहुत से प्रतापी राजा उनसे आजादी की लड़ाई की, जैसे में मंगल पांडे, झांसी की रानी, जैसे स्वतंत्रता सेनानी 1857 ईस्वी में युद्ध की चिंगारी फैलाई, स्वतंत्रता संग्राम की। उसके बाद बहुत से वीर सपूतों ने इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया, अंग्रेजों के विरोध में कई बार गोली खाई, डंडों की प्रहार से जख्मी हुए, कई बार तो जेल भी गए, लेकिन हर एक सांस अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई की। आज जो हमारी उम्र है उसी में बहुत सारे वीर सपूत, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, विनय बसु, सुखदेव जैसे हजारों वीर सपूत हुए, जिसके अंदर देश प्रेम की ज्वाला जगी थी। जो कभी कोर्ट में बम फेंके तो कभी अंग्रेजी जज की हत्या की, अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों की हत्या की, देश में आजादी की, स्वतंत्रता की, क्रांति लाने के लिए। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। अब वह दिन आ ही गया था जिसमें नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश में जनता में क्रांति लाई, एकता स्थापित
की, सभी को आंदोलित करके देश को 200 वर्षों की गुलामी से आजादी दिलाया। इसी दिन पंडित ने लाल किला पर झंडा लहराया। स्वतंत्रता का इतिहास रंग बिरंगे अध्यायों से भरा है, इसने महान बलिदान दिए। हम वैसे नेताओं और भारत माता का ऋणी हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।